तीसरे दिन टीम इंडिया ने कर दिया इंग्लैंड का खेल, बांध दिया बोरिया बिस्तरा। लेकिन टीम इंडिया के लिए सरदर्द बना इंग्लैंड का ये खतरनाक खिलाड़ी। कल रोहित ने इस खिलाड़ी को नहीं रोका तो टीम इंडिया की जीत पर फेर देगा पानी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। इसका पहला मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रही हैं। वहीं 27 जनवरी को मैच के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। दिन शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही गेंदबाजों ने भारत की पहली पारी का अंत कर दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने 421 रन बनाए और 190 रनों की बढ़त भी ले ली। इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम ने शानदार खेल दिखाया और दिन के खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना डाले। इसमें अहम योगदान ओली पॉप का रहा, जिन्होंने शतक की पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। तीसरे दिन की शुरुआत भारत की पारी के साथ हुई। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन पहले ही सेशन में जड्डू और शतक जड़कर LBW आउट हो गए। उन्होंने 87 रन बनाए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इन दोनों बल्लेबाजों को जो रूट ने आउट किया। इसके बाद रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को 44 रन के स्कोर पर आउट कर भारतीय टीम की पारी का अंत कर दिया, जिसके चलते भारत पहली पारी में 436 रन ही बना सकी। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा एंड कंपनी 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, लिहाजा तीसरे दिन उसे महज 15 रनों की बढ़त मिली। हालांकि भारत ने 190 रनों की बढ़त हासिल कर ली। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। अंग्रेजी बल्लेबाजों ने बेसबॉल क्रिकेट का रुख करते हुए भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया। दिन का लंच ब्रेक होने से पहले ही मेहमान टीम ने 15 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए। इस दौरान इंग्लैंड के जैक क्रॉली को रविचंद्रन अश्विन ने 31 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। जहां एक तरफ अंग्रेजी खिलाड़ी ताबड़तोड़ रन कूट रही थी, वहीं भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। मैच के दूसरे सेशन में ओली पॉप ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। उन्होंने तेज तर्रार पारी खेलते हुए टीम को भारत के स्कोर के करीब पहुंचा दिया। टी ब्रेक होने तक इंग्लैंड ने 42 ओवर में 5 विकेट खोकर 172 रन बना ली। इसमें अहम योगदान ओली पॉप का रहा, जिन्होंने शतक जड़कर शानदार पारी खेली। हालांकि इस दौरान भारत को कई बड़ी सफलताएं भी मिली। जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को 47 रन पर, जो रूट को 2 रन पर आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स का विकेट रविंद्र जडेजा और अश्विन के नाम रहा। आपको बता दें कि चाय तक ओली पॉप ने 68 रन जड़ दिए थे। मैच का तीसरा दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप के ही नाम रहा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर रन लूटे। ओली पॉप को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। इसके चलते उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक भी जड़ दिया। दिन खत्म होने तक उन्होंने 208 गेंदों में 148 रन नाबाद बना लिए। उनकी इस पारी की मदद से इंग्लैंड टीम 316 रन बनाकर कामयाब रही। उसने 126 रनों की लीड भी हासिल कर ली। वहीं दूसरी ओर भारत की इस हालत का जिम्मेदार भारतीय फैंस ने रोहित शर्मा को ठहराया। दरअसल मैच के तीसरे दिन तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही थी, लेकिन कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया। जसप्रीत बुमराह ने 12 और मोहम्मद सिराज ने केवल 3 ही ओवर डाले। अब देखना होगा चौथे दिन टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है और ओली पॉप को कहां तक रोक पाती है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।